हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर श्वेता किचन। तो आज मैं आप सबके लिए इन गर्मियों में खाने वाली कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हम बनाने वाले हैं। बस आप एक एक चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत ही बढ़िया सी और टेस्टी सी कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए झटपट से इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो ये देखिए, ये दूध मेरा बॉयल किया हुआ है और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में मलाई पड़ी हुई है। तो ये हाफ के जी है, मैं हाफ के जी और ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हाफ के जी मैं इसके अंदर और ऐड कर दे रही हूँ। तो ये हमारा फुल 1 लीटर दूध हो गया है और ये फुल फैट है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर इसे हम एक बार इस तरीके से स्टर कर देंगे। ये देखिए, मलाई इसमें बढ़िया सी पड़ गई, इसे इस तरीके से स्टर कर देंगे। तो अभी हमें इस तरीके से इसे गाढ़ा करना है। फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और फिर से हाई करेंगे। तो हमें इसे हाई फ्लेम पे ही ठीक करना है, थोड़ा सा इसको हाफ क्वांटिटी तक लेकर आना है। साइड साइड से इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छी मलाई इसके अंदर पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो बस इसी तरीके से हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बॉयल करते रहेंगे ताकि ये हल्का सा ना ठीक हो जाए, इसकी क्वांटिटी और भी कम हो जाए। आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एक ऑप्शनल है बट उसे डालने से थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 1 स्पून काजू और बादाम को कट करके ले लिया है। आप इसकी क्वांटिटी घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या फिर इसे आप टोटल स्किप भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप डेसिकेटेड नारियल डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए, दूध ना हाफ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ बाउल शुगर ले रखी है, जैसे भी आपको मीठा पसंद हो। तो 1 लीटर दूध में ये बाउल है और इस बाउल से मैंने हाफ बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर ऐड किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, लगातार स्टर करेंगे और फ्लेम को फिर से हाई कर देंगे। फ्लेम को आपको लो बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ मैंने शुगर डालते समय लो मीडियम इसलिए किया था ताकि दूध हमारा ऊपर ना आए। तो बस इसे लगातार चलाते रहना है इसी तरीके से। और जो हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे ना, वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मीन्स पक चुके हैं। और ये देखिए, ये जो साइड साइड में लगा हुआ है ना, मलाई लगी हुई है, इसे हमें इसी तरीके से करछी की हेल्प से निकालते जाना है, क्योंकि इसी से हमारी कुल्फ़ी में एक अच्छी सी शाइन और थिकनेस और वो जो खुरदरापन होता है ना, वो सारी ही चीज़ें आएंगी, सारी शाइन ही आएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें लगातार पका लेना है। ये थोड़ा सा जब ठीक होगा तो फिर इसे हमें निकालना है। तो मैं इसे इसी तरीके से पका लेती हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी ठीक हो चुका है और मैं यहाँ पर अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख सकें, और मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना, ये काफ़ी ठीक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पिंच सॉल्ट, ओनली 1 पिंच, वो भी फुल नहीं, हाफ। ये देखिए, और बहुत ही कम डालना है, इसको डाल के आप ट्राई कीजिएगा। बट हाँ, अगर कोई फास्ट है, कोई व्रत है, तो बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर ये मैंने इलायची का पाउडर तुरंत से क्रश किया हुआ है, इसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमारी ऑफ हो चुकी है और अब इसे हम हल्का सा ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें गरम गरम इसे फ्रिज में नहीं डालना है, नहीं जमाना है। तो जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें कि इसे हमें सेट करना है उस बर्तन में। तो यहाँ पर इसे मैं हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ और फिर इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे।
तो ये जो है ठंडा हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फिल करेंगे जिसमें इसे हमें सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके का, ओके मैं आपको दिखाती हूँ वन मिनट। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया हुआ है एक प्लास्टिक का, ये कह लीजिए डिब्बा है छोटा सा, ये मैंने ले रखा है। और यहाँ पर मैंने इस तरीके का ये डिस्पोजल वाला ग्लास आता है ना, ये मैंने ले रखा है। तो आज हम इसी के अंदर जमाएंगे। हाँ आप चाहें तो इस तरीके के स्टील के ग्लास भी ले सकते हैं, आप इसमें भी जमा सकते हैं, इसमें भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो मैं देखती हूँ अगर हो सकता है तो मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगी, और नहीं तो इन दोनों में तो मैं करने वाली हूँ। तो मैं इसे इसके अंदर ऐड करती हूँ, धीरे से हम इसके अंदर डालेंगे आराम से उठा के, ठीक है ना। और इसे पूरा नहीं फिल करना है, इसे ना हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करना है, पूरा हमें इसको भरना नहीं है ऊपर तक। तो ये देखिए इसे हम ये देखिए, तो यहाँ पर इतना ही हमें इसे फिल करना है, सॉरी इतना ही इसे हमें फिल करना है। तो मैं सेम इसमें भी और इसमें भी फिल कर देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब इसे हमें कैसे रखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से कवर करेंगे। तो ये लग चुका है, ये लग चुका है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये दो मैंने रेडी कर ली, ये तीसरा है, इसे भी हम सेम प्रोसेस से रेडी करेंगे, बट इसमें हमें ये कैप लगा देना है और इसे टाइट कर देना। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस ग्लास में भी इसे फिल किया हुआ है, और इसे भी हम इस तरीके से कवर करेंगे। और कवर करने के बाद हम इसके ऊपर भी रबर बैंड लगा देंगे, और अब इन सबको हम रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट या फिर 5 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो मैं इन सबको अब रख देती हूँ फ्रिज में, और जब ये सेट हो जाता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 6 hours later